बुलंदशहर के थाना अनूपशहर पुलिस ने 25 लाख की अवैध शराब की जब्त। यूपी के बुलंदशहर में अनूपशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। निकाय चुनाव में शामिल होने जा रही 265 पेटी पंजाब मारका शराब को पुलिस ने किया जब्त। अवैध शराब की मार्केट वैल्यू करीबन 25 लाख की बताई जा रही है। पुलिस ने शराब माफिया ताहिर खान को 265 अवैध अंग्रेजी शराब व चोरी के एक कैंटर सहित गिरफ्तार किया। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर शराब पकड़ी गई है, ये कहां से लाई गई है, कहां ले जाई जा रही थी? बीती रात अनूपशहर पुलिस और हमारी देहात की स्वाट टीम द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान, चेकिंग के दौरान ये पकड़ी गई है 265 ये पेटी शराब है, और जिसकी मार्केट में कीमत करीब करीब 25 लाख रुपए है। ये पंजाब से ले आ रहे थे और नंबर यूपी की गाड़ी का डाल रखे थे। एक्चुअल में इसका नंबर हरियाणा की गाड़ी का है, लेकिन यूपी का नंबर डाल करके ये ले जा रहे थे। तो सर, ये कहाँ बेचने के लिए ले जाई जा रही थी? ये पूर्व इनके जो पकड़ा गया है मौके से अभियुक्त, बाकी दो इसके साथी फरार हो गए। जो अभी पकड़ा गया है उसके कथनानुसार ये पूर्वांचल और बिहार में इसकी बिक्री कर रही है, पंजाब से लेकर के आ रहे थे। तो ये अनूपशहर में गंगापुल पार करके ले जाने की योजना रही होगी इनकी? हाँ, यहाँ से जाहिर सी बात है कि और कोई रास्ता नहीं, गंगापुल पार करते हैं, उसके बाद ये ऐसा रास्ता चुनते हैं जिस पर की आमतौर पे पुलिस की निगाह कम होती है। तो सर, फरार अभियुक्तों के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इसके द्वारा जो बताया गया उसके आधार पे वो दोनों वो भी जल्दी ही गिरफ्तार किए जाएंगे और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।